सृष्टि मुखर्जी, आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उनको लेकर आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है? मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर झूठा है। इनफैक्ट मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। ये लोग मेरा रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पहचानती हैं? जी, ये झनक रहना है। कैसे जानती हैं आप इन्हें? झनक और इसकी माँ मेरे मायके में कश्मीर में नौकरानी का काम करती थी। फिर इसकी माँ गुजर गई, उसके बाद मेरे दामाद ने अनिरुद्ध बोस ने इसे अपने घर में नौकरानी का काम दिया। और यहाँ तो लिखा है कि इसकी माँ आपकी बहन थी, और ये आपकी बहन की बेटी है। और अब एक बार फिर बहन और रिश्ते के नाम पर सृष्टि मुखर्जी क्या बोलेगी, क्योंकि उसे उर्वशी अपने सामने एक तुच्छ औरत लगती रही है, तो झनक उसे कहां से अपनी लगेगी? हाँ, मतलब क्या हुआ, बोलिए। ऐसा ही कुछ, दूर की रिश्तेदार थी, गरीब थी बेचारी, तो इसलिए घर वालों ने इसे काम दिया था। अच्छा, इनकी मौत कैसे हुई? मुझे पता नहीं। ओके, हाँ तो वकील साहब, ये बताइए कि आपकी क्लाइंट सृष्टि मुखर्जी की बेल प्ली मंजूर क्यों की जाए? सर, क्योंकि पुलिस का पूरा केस बनावटी है। कैसे? सर, पुलिस जिनके मर्डर केस में इन्हें फंसा रही है, वो मरी भी है नहीं, इसका भी कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास। सर, बॉडी अभी मिसिंग है, और अगर पुलिस मेरी क्लाइंट सृष्टि मुखर्जी को अंदर रखना ही चाहती है तो कम से कम कोई ठोस सबूत पेश करे। सबूत तो ये फोटो है। सर, तस्वीर उतनी क्लियर नहीं है, दावे से कहना मुश्किल होगा कि झनक रहना अब जिंदा नहीं है। और अब तो जज भी सोच में पड़ गए हैं। एक तरफ सृष्टि मुखर्जी का रुतबा, तो दूसरी ओर ये लावारिस लड़की झनक है। और इससे कैसे साबित होता है कि इसकी मौत में मेरी क्लाइंट का हाथ है? ऑफिसर, आपको कुछ बोलना है? जी सर, देखिए, झनक रैना को गाड़ी में बंद करके दरिया में धकेला गया था। जब दरिया में से निकाला गया तब की फोटो है सर ये। आसपास के लोगों से पूछताछ की थी हमने, तो उन्होंने बताया कि जब उसे बाहर निकाला तब उनकी सांसें नहीं चल रही थी। वैसे भी इतने देर पानी में रहने के बाद मुझे नहीं लगता कोई जिंदा रह पाएगा। फिर बॉडी का क्या हुआ? उसका हम अभी पता कर रहे हैं। तो पता करिए ना, आखिर सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट क्यों किया? और अब जज भी जब तक दोनों पक्ष की बात पूरी तरह नहीं सुन लेते तब तक कोई फैसला तो नहीं सुनाने वाले। इन्हें बेल मिलनी चाहिए। नहीं सर, सबूत है हमारे पास। और सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर सृष्टि मुखर्जी बाहर रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एविडेंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर सकती है। ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू सर। सर, हमारे पास ये भी प्रूफ है कि सृष्टि मुखर्जी ने हमारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। आप ये लीजिए। कॉपी। ओके, एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद इस केस का फैसला सुनाएं। और जहां आज मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जज को कुछ सबूत मिलने पर फैसले को ही होल्ड पर रख दिए हैं, वहीं अब सृष्टि मुखर्जी की मुश्किलें शायद कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस दावे के साथ वो आई थी कि वो ऑफिसर्स की वर्दी तक उतरवा देगी अगर उन्होंने उसके साथ कोई भी गलत आरोप लगाए, तो आज कानून की वही वर्दी पहनने वाले लोग सृष्टि के लिए कहीं काल बनकर तो नहीं आ गए हैं, जिसके चलते वो सलाखों के पीछे पाए जाएगी। क्योंकि नया सवेरा खबर वही लेकर आया है जो शायद अर्शी को सुनना ही नहीं था, कि आज सृष्टि मुखर्जी के बारे में चर्चे कुछ इस तरह है टेलीविजन चैनल्स पर भी। रिनोन डांसर सृष्टि मुखर्जी सुनहरे मंच से उतरकर पहुंची जेल की सलाखों के पीछे। उनके इस अजब सफर के पीछे क्या राज है, क्या कहानी है, कौन सी मिस्ट्री है, हम सब जल्द ही जान जाएंगे। क्या वो सच में गुनहगार है? क्या इस मर्डर केस की गुत्थी में कहीं उनका भी नाम शामिल है?
या उन्हें झनक रैना मर्डर केस में फंसाया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट आज शाम 7 बजे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि कौन है झनक रैना, श्रीनगर की लड़की, सृष्टि मुखर्जी के रिश्तेदार। हर्षी तुम फिर से टीवी चलाकर बैठ गई, क्यों देख रही हो तुम ये सब? डैड, जनक ने हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी, मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है वो। ये दिन देखने के लिए बड़ी हुई थी क्या मैं कि मेरी मॉम को सबके सामने घसीट के पुलिस वैन में डाल दिया जाएगा? डैड, लोग ना जाने मॉम के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मॉम ये डिजर्व नहीं करती, मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। और आपको पता है ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आज अनी और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं किसकी वजह से? मेरी लाइफ जो बर्बाद हुई है किसकी वजह से? जनक की वजह से। डैड, हर्षी बेटा, सच जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी ना तुम, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। और आज अब जो विनायक अपनी बेटी से कह रहा है वो स्वीकार शायद नहीं अर्शी को। सच कौन सा सच? बेटा मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी मॉम इस मर्डर में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन वो भी सच बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या मनी मन तुम जनक को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती थी? क्या तुमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए? और मान लो कि तुम ये नहीं भी चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो अपनी पूरी कोशिश की ना बेटा, क्या वो एक पल के लिए भी झनक को बर्दाश्त कर पाई? इतनी दर्दनाक मौत हुई है उसकी, क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? ये सारा कुछ अजीब नहीं लगता तुम्हें? बेटा अपने कॉमन सेंस से सोच के देखो, क्या तुम्हें लगता है सच में तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं पता था? अरे ये भी तो हो सकता है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, और मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं पता था। और यही एक सवाल है जो आज विनायक अपनी बेटी से कर रहा है कि क्या उसे अपनी मॉम की हरकतों और बातों से ये नहीं लगता कि जिस सृष्टि मुखर्जी की गुणगान सुनने की आदत सी हो गई थी सबको, क्या वो वाकई में गुणगान की हकदार है या कुछ और? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर आने वाली अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। डैड, झनक ने हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी, मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है वो। ये दिन देखने के लिए बड़ी हुई थी क्या मैं कि मेरी मॉम को सबके सामने घसीट के पुलिस वैन में डाल दिया जाएगा।